आज हम सीखेंगे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यहाँ पर मेरे पास में कुछ फ्रूट्स की डिटेल है और उनके जो वेटेज हैं और उनकी रेट यहाँ पर केजी मेरे पास में दी हुई है। ओके, अब मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पर इन सभी नंबर्स के आगे केजी भी यहाँ पर रखना है और आरएस भी रखना है और इनकी कैलकुलेशन भी करनी है। लेकिन जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन में हमारे पास में एरर आ जाती है, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनकी सेल्स वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए मेरे पास में हैशटैग वैल्यू की एरर आ जाएगी। ये वैल्यू जेन्युइन सी है क्योंकि इन दोनों के बीच में टेक्स्ट वैल्यूज हैं और टेक्स्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टेक्स्ट वैल्यूज का आप मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो वही प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही है। लेकिन कंडीशन हमारे पास में ये है कि हमें केजी भी रखना और आरएस भी यहाँ पर रखना, तब इसकी जाके हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे इस तरीके से डिलीट। इन नंबर से मैं केजी को रिप्लेस कर लेता हूं और इन नंबर से मैं आरएस को रिप्लेस कर लेता हूं। नाउ अब हमें यहाँ पर वेटेज को केजी के अंदर डिनोट करना था, हम सिंपली कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पर नंबर्स में आएंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, जनरल की जगह हम यहाँ पर टाइप करेंगे हैश और देन स्पेस देंगे और डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे केजी, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, एंटर हिट कर देंगे। तो ये देखिए केजी यहाँ पर आ गया। अगर आप सेल पे क्लिक करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर केजी है नहीं, एक्चुअली में वैल्यू है, लेकिन यहाँ की अपीयरेंस में हमने केजी ऐड कर दिया है। एज इट इज हम यहाँ पर रुपीज भी ऐड कर देंगे। अब इनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया है। और आप चाहें तो इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसकी अपीयरेंस चेंज कर देंगे। इनका सब टोटल करना चाहते हैं तो इस तरीके से इनका सब टोटल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं उनकी अपीयरेंस को चेंज करके।